दोस्तों आज मैं करने वाला हूँ मेरे गार्डन में लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। जैसे ये लगी हुई है धनिया, इसी तरह से ढेर सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं, जैसे ये लगी हुई है मिर्च, और भी बहुत सारी सब्जियाँ हैं। ये है लाल भाजी, पालक, ढेर सारे बैंगन जो आप सामने देख रहे हैं। तो पूरी हार्वेस्टिंग आपको मिलेगी देखने हर एक सब्जी की। आपको बताना है कौन सी सब्जी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सामने देख रहे हैं लगी हुई है 6 फिट वाली लौकी। आज यहाँ से भी कुछ हम लौकी तोड़ने वाले हैं इस तरह से। तो ये 3 फिट तक की रहे तो तोड़ लीजिए, तब खाने लायक होती है। और ढेर सारे कद्दू और टमाटर भी लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हार्वेस्टिंग और तोड़ते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियां। दोस्तों आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं इस लौकी से, जो कि है 6 फिट वाली, लेकिन अभी हुई है ये लगभग 3 फिट की। तो ये देखिए, ये पहली लौकी मैंने तोड़ ली है आज की हार्वेस्टिंग की, और एक और लौकी लगी है वहां पर वो वाली, तो उसे और तोड़ते हैं और इन दोनों लौकी को रखेंगे एक साथ। तो ये दो जो लौकी है वो आज मुझे मिल गई है काफी बड़ी। इन्हें रख देता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। ये देखिए, तो आज की ये पहली हार्वेस्टिंग दो लौकी की। अब तोड़ लेते हैं कद्दू। ये है हमारा कद्दू जो कि विंटर स्क्वैश के नाम से आपको मिलेगा इसके बीज, और आज इसकी कर रहे हैं हार्वेस्टिंग। सर्दियों में बहुत अच्छा होता है। पिछली हार्वेस्टिंग में भी हमने यहाँ से 4 कद्दू तोड़े थे और आज फिर हम यहाँ से 4 कद्दू तोड़ने वाले हैं। तो इस एक कद्दू को मैं इस ट्रे में रख देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद दूसरा कद्दू देखिए हमारा कितना अच्छा है, ये देखिए। तो ये यहाँ से दूसरा कद्दू मैंने तोड़ लिया। इसका साइज आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं होगा। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, खीर बनाइए इसकी बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो ये हो गए हैं हमारे 2। अब इसके बाद तीसरा कद्दू ये है जो मैं अभी तोड़ने वाला हूँ, और चौथा कद्दू मैं तोड़ूँगा यहाँ से। ये आप देखिए इस पत्ते के पीछे ये, तो इसको मैं अभी चौथा भी तोड़ लूँगा। तो ये 4 कद्दू मुझे मिल गए हैं आज, मैं इन्हें रख देता हूँ यहाँ पर। और किस किस को कद्दू खाना पसंद है ज़रूर कमेंट्स कर बताएं। और इस कद्दू की खासियत यह है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये 4 कद्दू हमने रख दिए, चलिए तोड़ते हैं अब दूसरी सब्जियाँ। दोस्तों ये लगे हुए हैं मेरे टमाटर। ये टमाटर के पौधे मैंने अभी लगाए थे सर्दियों के लिए ही, और देखिए बहुत जल्दी हमें यहाँ से जो है ये टमाटर मिलने भी लगे हैं। तो अगर आपने टमाटर नहीं लगाए हैं तो आप अभी भी समय है, अभी आप इन्हें लगा सकते हैं। पहले पौधे बनाने होते हैं, जब पौधे बड़े हो जाएं तो फिर आप इन्हें इस तरह से या तो रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में या फिर 12 बाई 12 इंच के एक ग्रो बैग में लगा सकते हैं। पीछे देखिए काफ़ी सारे टमाटर आज हमें मिलने वाले हैं। अच्छा, किस किस को टमाटर खाना पसंद है ज़रूर बताएँ। लगभग सभी लोगों को खाना पसंद होता है, और टमाटर का रेट फिर से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है हमारे यहाँ। आपके यहाँ अभी टमाटर का क्या रेट है उसके बारे में भी कमेंट्स करिए। और बाकी जब आप इस तरह से ऑर्गेनिक टमाटर तोड़कर खाएंगे तो इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही यूनिक आपको मिलने वाला है। कुछ देखिए छोटे टमाटर भी हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और कुछ बड़े भी हुए हैं। पीछे तरफ जो टमाटर हैं वो थोड़े छोटे हैं, शायद यहाँ पर पौधे को प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रहा है इसलिए भी ये छोटे हो सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये टमाटर पत्ते कुछ ज़्यादा हैं, इसलिए हो सकता है आपको जो है टमाटर प्रॉपर तरीके से ना दिखें। और ये टमाटर हाइब्रिड के नाम से आपको इसके बीज मिलेंगे, तो आप खरीद सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये तीनों सीजन में हो जाता है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा रिजल्ट है वो आपको सर्दियों ही में ही मिलेगा। मतलब सर्दियों में जो इसकी फ्रूटिंग आपको मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी इस तरह से। ये देखिए पूरा बंच लगा हुआ है, इस तरह से बंच में ये लगते हैं। 2 टमाटर यहाँ पर हैं, ये देखिए। तो इसके तो हमने सारे टमाटर तोड़ लिए हैं, इतने हो गए हैं। कुछ और टमाटर हमारे लगे हुए हैं, इन्हें और तोड़ लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो टमाटर है इस तरह से जो ये आप देख रहे हैं ये ब्लूसम एंड रॉट है, कैल्शियम की कमी से होता है। ये टमाटर खाने लायक है, आप इसे खा सकते हैं।
बाकी कैल्शियम अगर आप पौधों में देंगे, मतलब मिट्टी में मिलाएंगे, तो फिर ये जो समस्या है वो नहीं होगी आपको। तो देखिए ये टमाटर इतने हमने तोड़ लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये जो टमाटर के पौधे हैं, ये वाले जो रेनी सीजन में हमने टमाटर लगाए थे, उन पौधों से अभी हमें टमाटर मिल रहे हैं और पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, 4 से 5 फीट के ये हो गए हैं और टमाटर इनमें लगातार हमें मिलते जा रहे हैं। तो अभी हमने इन पौधों को नहीं हटाया है, नए पौधे तो हमने लगा ही लिए हैं, इनको भी रखा है क्योंकि इनसे भी हमें काफ़ी टमाटर मिलते हैं। एक ही ग्रो बैग में ये भी लगे हुए हैं, रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है 3 फीट बाई 3 फीट का। और कुछ जो थोड़े पके हुए टमाटर हैं उन्हें भी हम तोड़ रहे हैं और जो पूरे लाल हैं उन्हें भी हम तोड़ रहे हैं। ये देखिए वजन में पूरा झुक गया है ये वाला स्टेम ऊपर से, यहाँ से ये झुका हुआ है, यहाँ तक तो इसको हमने बांध दिया था। तो ये देखिए इतने टमाटर हमें मिल गए हैं जो कि हमारे पुराने पौधों से मिले हैं, इन्हें भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये है हमारा 56 कद्दू लाइट ग्रीन कलर का और इसे आज मैं तोड़ रहा हूँ, तो इसको आप इस तरह से घुमाएंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखिए तो बहुत ही अच्छा ये 56 कद्दू हमें मिला है और इस तरह से ये लगता है, बहुत ज़्यादा बेल नहीं होती। ऊपर आप देख रहे हैं दूसरे 56 कद्दू बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये बन रहा है। अब एक 56 कद्दू हमारा यहाँ पर है जो कि तोड़ने के लिए रेडी हो गया है, तो इसे भी मैं आज तोड़ लेता हूँ। कैसे तोड़ना है फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर मैं इसे घुमाऊँगा इस तरीके से, ध्यान से घुमाना है कि पौधा डैमेज ना हो। और आप इसे कट भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से नहीं घुमा पा रहे हैं तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो दो ये 56 कद्दू हमने यहाँ से हार्वेस्ट कर लिए हैं। और आपको 56 कद्दू खाना पसंद है कि नहीं ज़रूर कमेंट्स कर बताएं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो देखो ये जो है 3 56 कद्दू मिल गए हैं, 2 मैंने तोड़े हुए थे, 1 और मैंने तोड़ लिया है, थोड़ा छोटा था लेकिन तोड़ लिया है, तो इनको रख दिया है हमने यहाँ पर। तोड़ते हैं अब दूसरी सब्जियाँ। ये है हमारा भरता बैंगन और यहाँ से आज हम कुछ 3-4 भरता बैंगन तोड़ने वाले हैं, हर बार हम लगभग इतने ही तोड़ते हैं। और मीडियम साइज़ का जब ये हो जाए तब आप इसे तोड़ लीजिए। और यहाँ पर देखिए ये लगा हुआ है, ये दो देखिए मीडियम साइज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है और टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। तो ये 4 भरता बैंगन हमने तोड़ लिए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। जो पौधे हैं वो 12x12 इंच के HDPE ग्रो बैग में ये लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे पौधे हैं और यहाँ पर देखिए अभी भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। अच्छा फ्रूटिंग में क्या है, आप जितना तोड़ते जाएंगे फल वाला ये सब्जी वाले पौधे में उतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी, तो इनको समय पर हार्वेस्ट जरूर कीजिए। ये है हमारा सीडलेस बैंगन और इसमें बीज बहुत ही कम मिलेंगे आपको, अगर आपको ज़्यादा बीज वाले बैंगन खाना पसंद नहीं है तो इसे ज़रूर लगाएं। और इसका शेप भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये रियल बहुत अच्छा बैंगन है, ब्लैक कलर में होगा, इस तरह से ये हो जाता है। अभी देखिए ये छोटा है तो हमने इसे छोड़ दिया है और 2-3 दिन बाद वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये 2 मिल गए हैं हमें सीडलेस बैंगन, इन्हें भी रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये हैं हमारे चूचू बैंगन छोटे वाले और भरमा बैंगन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और मीडियम साइज़ के आप इन्हें हार्वेस्ट कीजिए, ये जो साइज़ है वो सही है। ये देखिए इस साइज़ का आप हार्वेस्ट कीजिए। 4 पौधे हैं, 4 ही पौधों से हमें ढेर सारे, आप देखिए पूरी सर्दियाँ हम यहाँ से इन्हें हार्वेस्ट करेंगे और हर हार्वेस्टिंग में हमें ये मिल जाते हैं तोड़ने के लिए। की तरफ लगे हैं तो आप नीचे 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 झुक के देखो, हाँ ये दोनों ज्यादा बड़े इनके पौधे नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर ये लगे हुए हैं, एक ये है, इसके पीछे भी एक है, ये भी तोड़ लीजिए।
हाँ तोड़ लीजिए, पत्ता वो भी काट दीजिए नीचे वाला। देखिए कुछ पत्ते इस तरह से ख़राब होते हैं, हम उन्हें हटा देते हैं। तो ये देखिए हमारे छोटे वाले चूचू बैंगन मिल गए हैं हमें, इतने काफ़ी अच्छे बैंगन मिले हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। आपको कैसे लगे ज़रूर बताएं। ये हमारा दूसरा बैंगन का पेड़ है जिसमें ये छोटे बैंगन लगते हैं इस तरह से धारीदार, तो ये भी भरमा बैंगन बनाने के काम आएंगे अगर आप इन्हें लगाएंगे। इनकी खासियत ये है कि इनमें भी बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है, और ये रेनी सीजन में मैंने लगाए थे तो पूरा रेनी सीजन इनने हार्वेस्टिंग दी, और अभी भी हम इनसे हार्वेस्टिंग ले रहे हैं इस तरह से। देखिए तो काफ़ी पौधे ज़्यादा बड़े नहीं होते, बाकी इनमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये बैंगन की वैरायटी है जो कि वेरीगेटेड आपको नाम से मिलेगी, और इसमें केयर कोई भी अलग से नहीं है, जो बैंगन की केयर है वही आपको केयर करनी है, और 12 महीने ये हो जाते हैं। ऊपर के कुछ आप देख रहे होंगे, ये इनकी स्टेम सूखी हुई है, इन्हें हम काट कर हटा देंगे, मतलब इसकी एक सॉफ्ट प्रूनिंग हम कर देंगे। और अब आ जाते हैं हमारे दूसरे पौधे की तरफ जो कि यहाँ पर है, ये देखिए इसमें भी काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। ये इसका सबसे बड़ा साइज है, ये वाला, इतना आप करके इसको तोड़ सकते हैं, वरना फिर ख़राब हो जाएगा, खाने में उतना टेस्ट उसका नहीं आएगा। और मीडियम साइज़ में हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा है, जैसे ये। तो देखिए ये बैंगन हमें मिल गए हैं, किस किस को इस तरह के बैंगन खाना पसंद है ज़रूर बताएं, और इन्हें हम रख देते हैं सब्जियों के साथ। एक बैंगन रह गया था तो वो भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है। ये है चिली हावारीनो, रेड तीखी होती है ये मिर्च, और यहाँ से मैं जो लाल लाल मिर्च वो तोड़ लेता हूँ। ये इसको तोड़ना थोड़ा सावधानी से होता है, वरना मिर्च के जो ये स्टेम हैं ये भी बहुत जल्दी टूट जाते हैं। देखिए ये मिर्च क्यों गिर रही है, ये देखिए पूरी तरह से रेड हो चुकी हैं, और जब ये रेड हो जाएंगी तो इनमें काफ़ी तीखापन इनका जो है बढ़ जाता है। ये देखिए, और इसमें काफ़ी बीज बने हैं यहाँ पर, इसमें बीज दिख रहे थे मुझे, पता नहीं इसको शायद चिड़िया ने खाया है, तो मिर्च जब उसे तीखी लगी होगी तो उसने खाना बंद कर दिया होगा। तो देखिए इतनी मिर्च हमें मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये हमारी जो मिर्च है डार्क ग्रीन कलर की, इसमें भी आप देखिए इस तरह से मिर्च लगी हुई हैं। तो जितनी ये बड़ी मिर्च है इन्हें मैं आज तोड़ लेता हूँ, क्योंकि अब इसमें जो है न्यू ग्रोथ आएगी, सॉफ्ट इसमें प्रूनिंग हमने की थी तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। तो जो ये ग्रीन मिर्च लगी हुई हैं अभी, इन्हें मैं तोड़ लेता हूँ। तो इतनी मिर्च मिली है हमें, ये देखिए, और इन्हें भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये देखिए दूसरा मिर्च का पेड़ है, इसमें ज़्यादा मिर्च तो नहीं है, अभी छोटी छोटी मिर्च हैं, तो इनको हम थोड़ा बड़ा होने के लिए छोड़ देंगे। जो बड़ी हो गई हैं एक दो डार्क ग्रीन, इन्हें तोड़ लेते हैं। एक ये भी हो गई है, और बाकी अभी सब नई मिर्च हैं। कुछ ये लाइट ग्रीन में भी लगी हुई हैं, इन्हें भी तोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो स्टेम है यहाँ पर ये लगी हुई हैं, और इनमें भी अभी फूल आना शुरू हुए हैं। आप देखिए कितने अच्छे इसमें फूल आ रहे हैं, ये देखिए इनसे सबसे मिर्च बनेगी। तो ये जो पुरानी मिर्च लगी हुई हैं इन्हें हम तोड़ लेते हैं ताकि नई मिर्च जो है अच्छे से बने, और पौधे अच्छे हैं, इसमें भी नए फूल आ रहे हैं, इसमें अभी फूल आना शुरू हुए हैं, इसमें भी बहुत अच्छी मिर्च लगेंगी। छोटी छोटी मिर्च लगना शुरू भी हो गई हैं यहाँ पर, ये देखिए इसकी भी एक दो मिर्च हम तोड़ सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये मिर्च बड़ी हो गई है, इसको तोड़ लेते हैं, और ये देखिए मिर्च का साइज कितना बड़ा हुआ है। अभी भी पूरी मैच्योर नहीं थी लेकिन नए फूल आ रहे हैं इसलिए मैंने तोड़ लिया है, तो इतनी मिर्च हो गई हैं ये। ये नींबू का पेड़ है और इसमें एक नींबू मेरा लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें ढेर सारे फूल तो आ ही रहे हैं साथ में, ये देखिए। तो अभी मैं जो ये पुराने नींबू हैं इन्हें मैं हार्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि इनमें नए नींबू बन पाए। आप इस तरह से घुमाकर भी यहाँ सर से इसे तोड़ सकते हैं। फूल देखिए कितने ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे
ये 1, 2, 3, 4 यहाँ तक फूल हैं। और नींबू में कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं ये फूल, इस तरह से ये देखिए, तो ये नींबू अब छोटे छोटे बनने लगे हैं। जो पहले के नींबू थे वो अभी मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं, कुछ और छोटे नींबू हैं, तो ये जब बड़े हो जाएंगे तो इन्हें हम तोड़ेंगे। और इसी नींबू के पौधे से मैंने एयर लेयरिंग से नए प्लांट भी बनाए हैं। ये नींबू का पेड़ जो है 12 महीने नींबू देता रहता है और इस तरह के नींबू इसमें आते हैं। तो ये 2 नींबू मिल गए हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये लगी हुई है मेरी अंजीर, तो अंजीर को हम इस तरह से घुमाकर तोड़ लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी अंजीर है और बिल्कुल पक चुकी है, खाने लायक है, तुरंत भी इसे खा सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर जब भी गार्डन में आता हूँ तो इस तरह से अंजीर तोड़कर खा लेता हूँ। तो एक अंजीर मिली है, अब तोड़ लेते हैं यहाँ से अमरूद। तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर एक अमरूद मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ से ये एक अमरूद हम आज तोड़ने वाले हैं। ये देखिए, तो ये पिंक अमरूद है, अंदर से पिंक निकलेगा, अभी पूरा नहीं पका हुआ है, आधा पका है। खाने में बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का भी आप खा सकते हैं। कुछ और अमरूद हैं, उन्हें और तोड़ते हैं। तो देखिए एक अंजीर एक अमरूद अभी हो गया है। अब जैसे आप ये 2 अमरूद देख रहे हैं, देखिए ये 2 अमरूद भी अभी थोड़े से तो पक गए हैं, तो यहाँ से मैं आज एक ये वाला अमरूद तोड़ लेता हूँ, ये भी खाने लायक है। तो एक अमरूद, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हमारी लगी हुई है चेरी, और यहाँ पे मुझे 1-2 पकी चेरी भी दिख गई हैं। देखिए ये रेड है, तो ये रेड चेरी मैंने यहाँ से एक तोड़ ली, और दूसरी चेरी मेरी कहाँ पर है, यहाँ पर, ये अरे कहाँ गई, ये देखिए यहाँ से, तो 2 चेरी ये हो गई हैं, 1 चेरी ये दिख गई, 3। तो चेरी में अभी चेरी उतनी लगी नहीं है, क्योंकि इस साल बारिश ज़्यादा हुई थी, तो फिलहाल ये 3 चेरी मिल गई हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है, ये 2 चेरी बहुत अच्छी हैं। और ये अमरूद इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। और इस तरह से ग्रो बैग में ही लगे हैं ये फलदार पेड़, जैसे 21x21 इंच का ग्रो बैग है जिसमें ये अमरूद लगे हुए हैं, और यहाँ पर फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। ये भी चेरी भी ग्रो बैग में ही लगी हुई है। दोस्तों ये है हमारी धनिया 30 दिन वाली, जो 30 दिन में तैयार हो जाती है, अर्ली कोरिएंडर, और अब ये काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज यहाँ से हम इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम कट कर रहे हैं, उखाड़ नहीं रहे हैं पौधों को, ताकि ये फिर से उग जाए। और इस धनिया की खासियत ये है कि ये 12 महीने हो जाती है, आप जब भी चाहें इसे लगाइए। और देखिए ये सर्दियों में इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है, और गर्मी में भी मैं आपको इसको लगाकर दिखाऊंगा। गर्मी में भी धनिया मैं उगाता हूँ, बड़े आसानी से उग जाती है, तो सर्दी गर्मी दोनों सीजन उगाइए। और इसे उगाने का पूरा मेथड जो है मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैसे इसे लगाना है। ग्रो बैग आप जो देख रहे हैं ये 24x9 इंच का है, 24 इंच इसकी गोलाई है और 9 इंच इसकी ऊँचाई है, 6 इंच 9 इंच 12 इंच ऊँचाई के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। तो देखिए इतनी बहुत धनिया हमें मिल गई है आज, इतनी धनिया काफ़ी है हमारे लिए। और वैसे आपको लगे तो आप थोड़ी थोड़ी डेली भी हार्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इससे खुशबू आ रही है धनिया की, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है दोस्तों हमारी गांठ गोभी, नोल खोल जिसे बोलते हैं, आप इसका पूरा पेड़ उखाड़ सकते हैं, इस तरह से इसे काट सकते हैं। तो देखिए एक ही पौधा बचा था, ये मैंने लगाया था, तो 1 से 1 गांठ गोभी मिलती है, तो ये हमें मिल गई है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी लाल भाजी, और इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग ये हो रही है, पहली बार हमने इसे नीचे से ही कट किया था, अभी फिर से हम उसकी स्टेम से कट कर रहे हैं, इस तरह से होती है। 24x9 इंच का ये ग्रो बैग है, और स्टेम सहित आप इसे खाइए, बहुत ही पौष्टिक होती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। आप पत्ते देख सकते हैं, अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये देखिए इतनी हमें मिल गई है लाल भाजी, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है हमारी पालक, और इसको हमने 2 बार इसकी थिनिंग की थी, इस बार हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, इस बार थिनिंग नहीं कर रहे हैं, पौधे अब बड़े हो गए हैं तो कट करेंगे, तो इसके बाद जो इसमें न्यू ग्रोथ आएगी वो काफ़ी अच्छी आएगी।
तो देखिए इतनी हमने पालक काट ली है और इसे रख देते हैं हम पहले एक बार सब्जियों के साथ, इतनी और फिर हम एक साथ काट लेंगे। ये हमारी कड़ी पत्ती है, मीठी नीम जिसे हम कहते हैं। हमने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी तो ऊपर से ये पीक गई है, तो अब हम नीचे की जो ये पत्तियां हैं इन्हें काट लेते हैं क्योंकि अभी हार्ड हो गई हैं और जल्दी से इन्हें हम इस्तेमाल कर लेंगे वरना ये सूखने लगेंगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने आज मीठी नीम भी हार्वेस्ट कर ली है और इस मीठी नीम का जो पेड़ है वो इस तरह से 18x18 इंच की ग्रो बैग में लगा है, यहीं लगी है मकुईया की भाजी, इसे भी हम अभी हार्वेस्ट करते हैं। तो ये मकुईया की भाजी है, इसे भी हम आज हार्वेस्ट कर लेते हैं। छोटी छोटी इसमें बेरीज जैसी लगती हैं, वो भी रेड हो जाती हैं तो आप उन्हें भी खा सकते हैं। ये गर्म इसकी तासीर होती है, सर्दी जुखाम अगर ठीक करना है तो ये बहुत ही फायदेमंद है। सर्दियों में ये बड़े आसानी से हो जाती, काटते जाइए रीग्रो होती जाएगी। कोई स्पेशल केयर नहीं है पौधे की, बस बीज लगा दीजिए और भूल जाइए, पानी देते रहिए हो जाएगा। तो जो ऊपर की ग्रोथ होती है उन्हें आप काट लीजिए, जैसे ये देखिए इस तरह से टिप काटते जाइए, ये नीचे से आती जाएगी एक ही जगह इस तरह से। ये भाजी इनको पूरा आप इस तरह से जैसे आप नॉर्मल भाजी बनाते हैं वैसे इसे भी बना सकते हैं। तो ये मकुईया की भाजी हमें मिली है, इसे रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। ये है हमारी हरी प्याज, इसे हमने प्याज से ही लगाया था और स्प्रिंग अनियन इसे कहते हैं और बहुत आसानी से हो जाती है। बाकी हमने अभी प्याज के लिए भी इसकी पौध लगा दी है, पौध बनने वाली है कुछ दिनों में, 10-20 दिन बाद जब थोड़ी और मैच्योर हो जाएगी तो उसे लगा देंगे, उससे हमें प्याज मिलेगी। और जब हम प्याज लगाते हैं तो उससे हमें इस तरह से हरी जो है पत्तियां मिलती हैं, तो ये दोनों फर्क है इसमें। और प्याज भी लगाया था, प्याज के साथ हमने लहसुन भी लगाया था, सामने आप देख रहे हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से लहसुन भी काट लेते हैं जो हमें पत्तियाँ ज़रूरी होती हैं। ये देखिए प्याज और प्याज के साथ ये ग्रीन लहसुन, इनसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो दोस्तों ये जो सब्जियां हैं मुझे मिल गई हैं मेरे टेरेस गार्डन से, और देख लेते हैं आज हमें क्या क्या मिला। तो सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत की थी जो लौकी है, दो बहुत ही अच्छी बहुत ही बड़ी लौकी मिली है 6 फीट वाली लौकी से। 3 मिले हैं हमें ये 56 कद्दू लाइट ग्रीन कलर के, 2 हमने तोड़े हुए हैं नींबू, साथ में 2 चेरी, 1 अंजीर, 2 अमरूद, 4 ये बहुत अच्छे हमारे कद्दू, और कद्दू का साइज देख सकते हैं आप, मुझे बहुत पसंद है कद्दू खाना, आपको पसंद है कि नहीं जरूर कमेंट्स कर बताएं। ढेर सारे टमाटर, देखिए कितने सारे टमाटर हमें मिले हैं। बैगन बहुत सारे मिले हैं, ये चूचू बाले बैगन ब्लैक, ये वेरीगेटेड बैगन, भरता बैगन 4, 2 सीडलेस बैगन। यहाँ पे हमने मिर्च तोड़ी हुई है चिली हाबारिनो, ये देखिए बहुत अच्छी मिर्च होती है, ये बहुत ही तीखी होती है। इसके साथ कुछ हमारी नॉर्मल ग्रीन चिली, ढेर सारी धनिया हमने आज काटी हुई है, कड़ी पत्ती, एक ही हमने गांठ गोभी काटी हुई है, एक ही था, एक ही पेड़ था। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये मकुईया की भाजी, यहाँ पे ढेर सारी पालक, पालक आज हमने काटी हुई है पूरी जो एक ग्रो बैग में लगी हुई थी। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं तो हरी प्याज, इसके साथ ये हरा लहसुन और ये लाल भाजी। तो ये सारी सब्जियां जो है मैंने छत पे बने हुए मेरे टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट कर ली हैं। आपको इनमें से कौन सी सब्जी सबसे अच्छी लगी जरूर कमेंट्स कर बताएं, और आपको अभी अपने गार्डन से कौन सी सब्जी की हार्वेस्टिंग मिल रही है उसके बारे में भी कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। वीडियो को शेयर करना लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये भी बिल्कुल फ्री है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।